सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं बेबी ड्राइवर मूवी के स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ट्राई करूंगा रोज एक मूवीज के स्पॉइलर फ्री रिव्यू देने के, तो ये वही है। तो बात करें बेबी ड्राइवर मूवी के बारे में कि ये मूवी कैसी है। वेल, ये एक बेस्ट फिल्म है, जिससे कि इस फिल्म के डायरेक्टर एडवर्ड नॉर्टन ने ये बता दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ हॉरर कॉमेडी मूवी नहीं बल्कि एक परफेक्ट एक्शन मूवीज भी बना सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल बेबी ड्राइवर है। ये फिल्म आपको कहीं से भी बोर नहीं करती है, आप इस फिल्म के पूरे मजे लेते हो। कहानी काफी सिंपल है, जिससे कि आपको इस फिल्म को समझने में ज्यादा टेंशन लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल हो। तो फिल्म की पूरी स्टोरी बेबी पर बेस है, जिससे कि इस फिल्म में बेबी का रोल एंशल कर रहे हैं, जिन्हें हमने आज तक इतना डिफरेंट रोल करते हुए नहीं देखा है। और बात करें दूसरे कैरेक्टर्स की, तो इस फिल्म में काफी अच्छे एक्टर्स हैं, जैसे कि केविन स्पाइसी, उनका इस फिल्म में रोल ना के बराबर है। दूसरे जेमी फॉक्स और जॉन हम, जॉन बर्नाथन, लिली जेम्स और लीजा। ये बात हो गई इस फिल्म के एक्टर्स के बारे में। अब बात करते हैं फिल्म की स्टोरी के बारे में कि असल में फिल्म की स्टोरी क्या है। वेल, फिल्म की स्टोरी काफी सिंपल है। हमारे बेबी दुनिया के सबसे अच्छे कार ड्राइवर है, जो कैसी भी सिचुएशन हो वो उस सिचुएशन में से निकल आते हैं। तो उनका यूज केविन स्पाइगी यानी डॉग करता है बैंक रॉबरीज के लिए। यहाँ तक सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है, लेकिन फिर बेबी की लाइफ में एक लड़की आती है जिसका नाम है डेबरा, और डेबरा का रोल इस फिल्म में लिली जेम्स ने किया है। यहाँ से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है और अब बेबी चाहता है कि वो अपने काम को गुड बाय कर दे और एक अच्छी लाइफ बिताए, लेकिन डॉग ऐसा नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि बेबी उनके ग्रुप को छोड़कर जाए, और अगर जो भी उनके ग्रुप को छोड़कर जाएगा तो उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो क्या बेबी इनकी टीम में रहेगा या नहीं, और वो लोग जो रॉबरीज करते हैं कि क्या उस रॉबरीज में बेबी भी पकड़ा जाएगा, यही इस फिल्म की स्टोरी है। लेकिन इस फिल्म की स्टोरी को काफी अच्छी तरीके से लिखा गया है, और इस फिल्म की अच्छी बात यह है कि इस फिल्म में काफी कम VFX यूज किया गया है, और जब भी बेबी ड्राइव करता है तो ऐसा लगता है कि हम भी उसके साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में जो सॉन्ग बजते हैं वो आपको झूमने पर मजबूर कर देते हैं। जी हाँ, इस फिल्म की बाकी कसर इस फिल्म के सॉन्ग्स ने पूरी कर दी है, जिससे कि ये फिल्म आपको और भी ज्यादा पसंद आती है। और सभी की एक्टिंग की बात करें तो इस फिल्म में सबसे अच्छी एक्टिंग बेबी की ही है। जब वो अपने कान में हेडफोन लगाकर रोड पर नाचते हुए जाता है, वो सीन काफी अच्छा है। वेल, बेबी को एक बीमारी होती है जिससे कि उसे कम सुनाई देता है, और अगर वो अपने कानों में सॉन्ग्स नहीं सुनता है तो उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। और दूसरे एक्टर जैसे कि जेमी फॉक्स, उनका भी इस फिल्म में रोल अच्छा है, और जॉन हम ने भी इस फिल्म में रोल अच्छा किया है। साथ ही साथ जॉन की पार्टनर एल्जा का भी रोल इस फिल्म में काफी अच्छा है, और जॉन ब्रेथनर वो इस फिल्म में काफी ज्यादा खड़ूस लगते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि बेबी ड्राइवर फिल्म कैसी है, और आपको मेरे हिसाब से इस फिल्म को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 2017 के कम बजट की लिस्ट में भी आती है, और इस फिल्म ने बिजनेस के मामले में एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। तो अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, और जिन लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा है वो इस फिल्म को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। टिल देन, बाय।